फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि स्किन केयर क्यों जरूरी है। जैसा कि हम जानते ही हैं, हम अपनी दादी नानी को जब देखते हैं तो हम उनसे सुनते हैं कि उन्होंने कभी स्किन केयर यूज ही नहीं किया। कारण क्या था कि पहले ना तो इतना पॉल्यूशन था, ना एयर में इतना पॉल्यूशन था, ना ही वाटर में इतना पॉल्यूशन था, और खाने पीने की चीजें भी उन्हें प्योर मिलती थी, तो उस वजह से उनकी स्किन बहुत ही हेल्दी रहती थी। लेकिन अब जमाना बदल चुका है, हमारा लाइफस्टाइल भी बदल चुका है। अब हमें घर ही नहीं संभालना होता, ऑफिस के काम और घर के काम दोनों संभालने होते हैं। साथ साथ हमारी मजबूरी है कि हम एक पॉल्यूटेड सिटी में रह रहे हैं। पानी की भी जहां तक बात करें तो बहुत अच्छी या स्वच्छ उसमें हम पानी नहीं मिल पा रहा। तो इन सब कारणों को देखते हुए, इतने सारे प्रेशर को झेलते हुए, हमें अपनी स्किन केयर करना बहुत जरूरी है। स्किन केयर करने के कुछ रूटीन होते हैं, कैसे उस रूटीन को हम फॉलो करें, तो आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे। सबसे पहला स्टेप है क्लींजर। क्लींजर क्या करता है? ये हमारी स्किन को क्लीन करता है। क्लीन तो वैसे साबुन भी कर देता है, लेकिन जब हम साबुन लगाते हैं, ये क्वेश्चन कॉमनली मेरे पास आता है कि साबुन और क्लींजर या फेस वॉश तीनों में क्या फर्क है। साबुन क्या करता है, जब साबुन से हम क्लीन करते हैं वो डर्ट तो निकाल देता है स्किन के सरफेस की, बट वो हमारी स्किन का पीएच बैलेंस बिगड़ा देता है, यानी हमारा जो मॉइस्चर लेवल है उसको कम कर देता है, जिससे हमारी स्किन ड्राई और खिंची खिंची नजर आती है। वहीं पर फेस वॉश क्या करते हैं, आपकी स्किन को क्लीन करते हैं, मॉइस्चराइज करते हैं, लेकिन क्लींजर एक स्पेशल काम करता है। हमारी स्किन बहुत छोटे छोटे पोर्स से बनी होती है, जिसके अंदर जब हम बाहर निकलते हैं, घर में भी रहते हैं, मैक्सिमम जब आप किचन में काम करते हैं, आप देखते हैं अगर अपने किचन के डब्बों की तरफ आपका ध्यान जाए तो एक दो महीने के बाद जब आप अपने साफ करते हैं तो वो कितने चिपचिपे हो चुके होते हैं, और उसी गैस के पास हमारे 3 से 4 घंटे दिन में निकल जाते हैं। तो आपको नहीं लगता कि वो चिकनाई या गंदगी आपके पोर्स में भी फंस जाती होगी, उसको क्लीन करने के लिए हमें क्लींजर की जरूरत होती है। क्लींजर का मेनली काम क्या है, हमारी स्किन बहुत छोटे छोटे सेल से बनी होती है, पोर्स होते हैं जो हमारी स्किन को ऑक्सीजन देते हैं। ऑक्सीजन के साथ साथ डर्ट और गंदगी वो अंदर तक ले जाते हैं, जिसके लिए हमें उनको खोल के साफ करना जरूरी होता है। तो क्लींजर का बेसिकली काम क्या है, जैसे हम एक एग्जांपल से अज्यूम करते हैं कि ये हमारा पोर है स्किन का, जब हम क्लींजर से इस पे सफाई करेंगे तो ये इस तरह से खुल जाएगा। खुलने के बाद क्लींजर अंदर की गंदगी को निकालेगा और इसे साफ कर देगा। ठीक है, तो हम क्लींजर को यूज कैसे करते हैं, इसको मटर के दाने के बराबर आपने लेना है, स्किन को गीला करना है, हल्का सा स्प्रेड करना, फिर मसाज करते हुए आपने पानी से धो लेना है। अब हमने क्लींजर यूज किया, हमारे पोर्स ओपन है, तो अब हमारा सेकंड स्टेप है टोनर। टोनर क्या करता है, जो पोर्स अब हमने ओपन किए हैं, जैसे ही हम इस पे टोनर लगाएंगे तो ये वापस से टाइटन अप हो जाएंगे, और जो क्लोरीन का इफेक्ट होता है, जो भी हम पानी यूज करते हैं उसकी सफाई के लिए उसमें क्लोरीन मिलाया जाता है, लेकिन क्लोरीन हमारे स्किन के लिए बहुत ही हार्मफुल है। अगर वो रेगुलर हमारे स्किन पे लगता रहे तो हमारे स्किन का कलर धीरे धीरे थोड़ा सा डार्क होने लगता है, तो ये क्लोरीन के इफेक्ट को दूर करता है। और अगर कुछ ट्रेसेस बच भी जाते हैं मेकअप के या किसी और चीज के, तो उन्हें भी निकाल देता है। और टोनर लगाने का सही तरीका, आप इसे इस तरह से कॉटन पैड्स में लेंगे, आपको ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 से 3 ड्रॉप लेनी है और जस्ट स्किन पे डैप डैप करना है। इसे आपने रब नहीं करना होता, जब हम रब करते हैं तो हमारे पोर्स के जो साइड के कॉर्नर्स होते हैं वो खिंच जाते हैं, जिससे पोर्स वापस से टाइट अप नहीं हो पाते। तो आपने जस्ट इसे डैप डैप करना है, जहां पर भी आपको लग रहा है इसकी रिक्वायरमेंट है, और 3 से 4 ड्रॉप से ज्यादा इसकी जरूरत नहीं होती। अगर आपको ये कंफर्टेबल ना लगे और आपके हाथ बहुत अच्छे से वॉश किए हुए, तो आपने जस्ट 2 से 3 ड्रॉप अपने हाथ पे डालना है, इस तरह से टैप करना है, और फिर पूरे फेस पे थपथपा के लगा देना, जैसे कि जेंट्स लोग आफ्टर शेव लोशन लगाते हैं। तो टोनर बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो हमारी जो स्किन के पोर्स होते हैं वो बताते हैं कि हमारी एज कितनी है। जैसे कि एज स्टडी की जाती है, किसी ट्री की अगर एज जानी होती है तो उसके अंदर के जो सर्कल होते हैं उससे पता लगता है, लेकिन अगर किसी लेडीज की एज जानी होती है तो उसके स्किन पर पोर्स का साइज कितना बड़ा है वो बताता है कि उसकी उम्र कितनी है। तो फर्स्ट स्टेप हमने सीख लिया, क्लींजिंग टोनिंग। क्लींजर आप दिन में सिर्फ 2 बार यूज कर सकते हैं, इससे ज्यादा इसका यूज नहीं करना है। अगर आपको उसके बावजूद भी लगता है कि आपको फेस धोने की जरूरत है तो आप कोई भी फेस वॉश यूज कर सकते हैं। क्लींजर आपने खाली नहीं यूज करना है, क्लींजर टोनर दोनों साथ साथ यूज करने हैं।
नहीं तो आपका एक स्टेप मिस हो जाएगा। उसके बाद है हमारा सेकंड स्टेप आई क्रीम। आई क्रीम क्या काम करती है? मोस्टली मैं लेडीज से जब मिलती हूँ तो मुझे पता लगता है कि आई क्रीम उनकी रूटीन में है ही नहीं, और आई क्रीम हमारे लिए बहुत ही जरूरी होती है क्योंकि हमारा फर्स्ट साइन ऑफ एजिंग आई के आसपास वाले एरिया पे ही आता है। सबसे पहले हमारी बढ़ती उम्र की झलक हमारे आई के एरिया से दिखती है। अब वो क्यों दिखती है? क्योंकि हमारे इस एरिया में ऑयल ग्लैंड नहीं होते और फर्स्ट साइन ऑफ एजिंग यहीं पर बनता है, इसलिए हमें आई क्रीम की बहुत ज्यादा जरूरत है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, रिंकल आ जाएंगे तब हम आई क्रीम लगाएं, लेकिन एक बात मैं यहां क्लियर कर दूं, अगर आपके स्किन पर या आई के नीचे रिंकल आ चुका है तो वो खत्म नहीं होगा, थोड़ा हल्का हो जाएगा। तो अगर हम 20 या 22 साल से ही अच्छी कोई आई क्रीम लगाना शुरू कर दें तो जो आपके रिंकल आना है आई के आसपास वो आपको 30-35 साल के बाद दिखना शुरू होगा। अगर आप कुछ भी केयर नहीं कर रहे हैं तो 25-26 साल में वो दिखना शुरू हो जाता है। तो क्यों हम अपनी उम्र को और ज्यादा बड़ा दिखाएं, तो जरूरी है कि हम अपनी रूटीन में आई क्रीम जरूर ऐड करें। और आजकल का जो लाइफस्टाइल है, हम बहुत ज्यादा समय अपने स्मार्टफोन पे बिताते हैं, उसकी जो रेज होती है वो भी हमारी आईज को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, इस वजह से डार्क सर्कल बहुत ज्यादा दिखने लगते हैं। तो अगर आप एक अच्छी आई क्रीम यूज कर रहे हैं तो आपको डार्क सर्कल, फाइन लाइंस, पफिनेस की प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। यूज करना कैसे है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने जस्ट थर्ड फिंगर लेना है। थर्ड फिंगर क्यों, ये भी मैं आपको वीडियो में बताती हूँ। इस पर राई के दाने के बराबर आपने आई क्रीम लेनी है और जस्ट डैब डैब करते हुए आपने इस तरह से इसको लगाना है। थर्ड फिंगर क्यों, क्योंकि इस फिंगर में प्रेशर पॉइंट नहीं होते, ये हमारे हार्ट से सीधा कनेक्ट होती है। ये एरिया हमारा इतना डेलिकेट होता है कि अगर हम इस पे बार बार फिंगर को भी रब करेंगे तो बहुत जल्दी यहाँ पर रिंकल्स पड़ने लग जाते हैं। तो आपने जस्ट इससे टैप करना और जस्ट छोड़ देना है। उसके बाद कोई मसाज या सर्कुलर मोशन में मसाज नहीं करनी है। आई क्रीम अपने आप ऑटोमेटिकली अंदर जाकर काम करना शुरू कर देती है। उसके बाद हमारा थर्ड स्टेप सीरम। सीरम बहुत जरूरी चीज है क्योंकि आपकी स्किन को बूस्ट करता है। ये डायरेक्ट आपकी स्किन की थर्ड लेयर में जाता है और वहां से एक्शन करना शुरू करता है, और ये आपकी स्किन को प्रिपेयर करता है। जब भी हम डे या नाइट क्रीम लगाते हैं तो आपकी उस डे या नाइट क्रीम की एफिकेसी को 200% तक बढ़ा देता है। अब डे क्रीम की जरूरत क्यों पड़ती है? कई लोग तो बोलते हैं कि हम नॉर्मल क्रीम लगाते हैं उससे भी काम चल जाता है, बट डे क्रीम क्या करती है? हमारी जितनी भी डे क्रीम है उनमें एक तो SPF होता है ताकि आपको सन प्रोटेक्शन मिले। बेसिकली डे क्रीम प्रोटेक्शन का काम करती है, आपकी सन डैमेज से आपकी प्रोटेक्शन, पॉल्यूशन से प्रोटेक्शन, और भी बहुत सारी चीजों से आपकी प्रोटेक्शन करती है। तो डे क्रीम हमें जब भी घर से बाहर निकल रहे हैं या घर में रह रहे हैं तो हमें डे क्रीम जरूर लगानी चाहिए क्योंकि आपके मॉइस्चर लेवल को बना के रखती है। अब हमारा लास्ट स्टेप है नाइट क्रीम। सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप जो लोग अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो जस्ट 30% लोग होंगे जो नाइट क्रीम यूज करते हैं। नाइट क्रीम क्यों जरूरी है? एक बहुत ही अहम हिस्सा है नाइट क्रीम हमारे स्किन केयर का। जब भी हम नाइट क्रीम अप्लाई करते हैं, अगर मैं कहूं कि ये हमारा जो सेल रिन्यूअल प्रोसेस है वो रात को स्टार्ट होता है हमारे स्किन में। रात को क्यों स्टार्ट होता है? क्योंकि हमारे सेल बिल्कुल रिलैक्स मोड में होते हैं। लेडीज की खास बात देखी जाती है कि अगर वो बोलती है तब तो एक्सप्रेशन आते ही हैं, पर अगर वो नहीं भी बोल रही है, कुछ सोच भी रही है, तो फेस पे बहुत सारे एक्सप्रेशन आते हैं। बट लेकिन जब हम रात में सोते हैं तो बिल्कुल हमारे फेस पे एक्सप्रेशन नहीं होते और हमारे सेल बिल्कुल रिलैक्स मोड में होते हैं। तो नाइट क्रीम अगर मैं कहूंगी हमारे सेल्स का फूड है, क्योंकि इसके बाद हमारा जो सेल रिन्यूअल प्रोसेस है वो फास्ट हो जाता है। यानी पूरा दिन में जितनी भी डैमेजेस हमारे स्किन पे होती हैं उनकी रिपेयरिंग का काम नाइट क्रीम करती है। जब नाइट क्रीम अपना रिपेयरिंग कर देती है तो अगले दिन हम उसे प्रोटेक्ट करते हैं, तो इससे हमारी स्किन हेल्दी यंग दिखाई देती है। तो ये था आज का स्किन केयर वीडियो, और अगर आपको अच्छा लगा है तो जरूर लाइक कीजिएगा, और साथ साथ मैं जानना चाहूंगी आपके कुछ व्यूज, और अगर आपको स्किन केयर को लेकर कोई भी क्वेरी है तो आप मैसेज बॉक्स में अपना क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। थैंक यू।